आपकी सेहत का हमें भी ख्याल है। आप खुश रहें और हमारी खबरों से जुड़े रहें। और हाँ, ध्यान रखिए, कोरोना से अभी जंग जारी है। आप फेस कवर मास्क हमेशा पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखें। स्वागत है आपका लोकस्वर टीवी पर। खबरें शुरू करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला, 22 जवानों के शव बरामद, देश में मचा कोहराम। कोरोना वैक्सीन का टोटा, बड़ी संख्या में टीका लगवाने सेंटर में पहुंच रहे लोग। कब्रिस्तान में पहुंचकर मसीहजनों ने किया अपनों को याद, मनाया गया ईस्टर संडे। और शहर से लेकर गांव तक पानी की उठने लगी समस्या, नीचे जा रहा जल स्तर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कमांडर हिड़मा को तलाशने निकली फोर्स पर नक्सलियों ने बड़ा हमला कर दिया है। इस हादसे में 22 से अधिक जवानों की मौत हो गई है। पहले दिन सिर्फ 7 मौतों की जानकारी सामने आई थी, बाकी लोगों के लापता होने की खबर मिल रही थी। दूसरे दिन यानी रविवार को 22 से अधिक जवानों के शव बरामद किए गए। इस घटना से राज्य से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। बीजापुर जिला मुख्यालय से करीब 75 किलोमीटर दूर तररेम थाना क्षेत्र सिलगेर गांव के पास के जंगल में नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 के कमांडर दुर्दांत नक्सली हिड़मा की मौजूदगी की सूचना मिल रही थी। इस आधार पर शुक्रवार को डीआरजी, सीआरपीएफ, एसटीएफ व कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम क्षेत्र के लिए रवाना की गई थी। इस टीम में लगभग 2060 जवान शामिल थे। शनिवार को सर्चिंग से वापसी के दौरान बीजापुर के तररेम व सुकुमा के सिलगेर के बीच जोन्नागुड़ा के जंगल में फोर्स की एक टुकड़ी को नक्सलियों ने एम्बुश में फंसा लिया। पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। इस दौरान नक्सलियों ने बड़ा हमला करते हुए जवानों को लंबा नुकसान पहुंचाया। हालांकि इस मुठभेड़ में नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर सामने आई है। शनिवार की शाम तक 7 जवानों की शहादत की खबर आई थी, मगर रविवार सुबह तब हड़कंप मच गया जब मौके पर पहुंची सुरक्षा बलों की टीम ने लापता जवानों के शव जंगल में बिखरे पाए। तत्काल ये खबर रायपुर से लेकर राजधानी दिल्ली तक हड़कंप मचा गई। वायुसेना के हेलीकॉप्टर शवों को बरामद कर राजधानी लाते रहे। घायलों को भी अस्पतालों में एडमिट किया गया। माना जा रहा है कि घटना के वक्त करीब 250 नक्सलियों ने जवानों को घेरकर बंदूक के साथ ही रॉकेट लॉन्चर का भी उपयोग किया है। कल आफ्टरनून में करीब 11:30 बजे दोनों पार्टी नक्सली और सुरक्षा बलों में, जिसके अंदर सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, डीआरजी और सीएफ के जवान थे, दोनों तरफ से 4 घंटे की मुठभेड़ चली करीब 11:30 बजे से लेकर 3:30 बजे। इस मुठभेड़ के अंदर काफ़ी नक्सलियों के हताहत होने की खबर है, क्योंकि जो गोपनीय जानकारी मिल रही थी और सूत्र बता रहे थे करीब 3 या 4 ट्रैक्टरों से जो घायल और मृत नक्सली हैं उनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया गया है। उनको अभी वॉच कर रहे हैं हम लोग। और सुरक्षा बलों की तरफ से हमारे कल 2 जवान शहीद जो हुए थे उनकी हमको मॉर्टर डिफेंस प्राप्त हो गए थे। और आज जो सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन लॉन्च किया, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसके अंदर ऐसा जानकारी मिल रही है कि जो 21 मिसिंग थे, जिसके अंदर कोबरा, एसटीएफ और डीआरजी के जवान थे, 21 में से बॉडी 20 की जो मॉर्टर डिमेंट्स है वो लोकेट हो गए हैं। अभी भारतीय वायुसेना और केंद्रीय एजेंसियों और सीआरपीएफ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं मौजूद हैं, सभी से समन्वय स्थापित करके उनके मॉर्टर डिमेंट्स को वहाँ से इवैक्यूएट कराया जा रहा है, फिर आगे की कार्रवाई होगी। इस बड़े नक्सली हमले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अब नक्सली अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी हताशा झलक रही है, सुरक्षा बलों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने घटना की कड़ी निंदा की है। बीजापुर में नक्सली हमले से 5 जवान के शहीद होने का समाचार निश्चित रूप से दुखद है। मैं उन शहीदों को श्रद्धापूर्वक अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारों को इस कष्ट को सहने की शक्ति दे ईश्वर। और इसके साथ ही साथ जो लगातार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की नक्सली घटना हो रही है, लगातार इस हमले में हमारे जवान की शहादत हो रही है, मगर छत्तीसगढ़ पुलिस हाथ में हाथ धर बैठी है। ना कोई कार्य योजना, ना कोई चर्चा, ना किसी प्रकार के गंभीर कदम उठाए गए हैं।
निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है। सरकार अब भी सचेत हो जाए, हमारे जवानों की शहादत से प्रेरणा लेके कम से कम अब कोई ठोस कार्रवाई आगे करे। बड़ी संख्या में शहीद हुए जवानों को लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने भी शोक जताते हुए नक्सलियों के सफाये के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की है। मालूम हो कि इसके पहले भी 23 मार्च को नारायणपुर में नक्सलियों ने जवानों से भरी बस को विस्फोट कर उड़ा दिया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। 10 दिनों के भीतर ही ये दूसरा बड़ा हमला हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकसर टीवी, बिलासपुर। निकाय समेत ग्रामीण क्षेत्र के टीकाकरण सेंटरों में व्यवस्था कैसी चल रही है, इसे जानने अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बीएस उइके ने टीकाकरण सेंटरों का जायजा लिया। लगभग आधा दर्जन सेंटरों में पहुंचे अधिकारियों ने स्वास्थ्य कर्मियों सहित वैक्सीनेशन के लिए आए ग्रामीणों से बातचीत की और टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया। बिल्हा विकास खंड के स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक अस्पतालों में टीकाकरण का दौर तेजी से चल रहा है। इसमें पंचायत के प्रतिनिधि, चिकित्सीय दल और स्वास्थ्य कर्मी जुटे हुए हैं। टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने अवकाश के दिनों में भी अस्पतालों में टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। कार्य कैसा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे जानने और समझने प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। टीकाकरण के दौरान एडिशनल कलेक्टर बीएस उइके लगभग आधा दर्जन सेंटरों के निरीक्षण के बाद चकरभाटा पहुंचे। अधिकारी ने स्वास्थ्य कर्मियों से टीकाकरण की जानकारी ली और व्यवस्था को लेकर निकाय अधिकारियों से भी बातचीत की। श्री उइके ने टीके के लिए पहुंचे लोगों से भी चर्चा कर उन्हें टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया। अभी कोरोना के संबंध में सभी 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण कराया जा रहा है। इसमें हर केंद्रों में लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग टीका लगवाने में आगे आ रहे हैं, पब्लिक का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। बिल्हा क्षेत्र में अधिकारियों के सतत निरीक्षण के दौरान बिल्हा एसडीएम अखिलेश साहू, नायब तहसीलदार सूर्य प्रकाश केशकर, निकाय अधिकारी और पटवारी समेत स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ सरकार की मुहिम तेज हो गई है। सरकार ने कहा है अप्रैल में सरकारी छुट्टियों के दिन भी सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ चढ़कर लोग केंद्रों में पहुंच रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करा दी है। सरकार ने अप्रैल में रोजाना कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। खास बात यह है कि सरकारी छुट्टी यानी गजटेड हॉलीडे के दिन भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। 1 अप्रैल से 45 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। ग्रामीण, पिछड़े व दूरदराज के इलाकों में भी टीकाकरण सफल बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। असर यह है कि शहर से ज्यादा अब लोग गाँव के केंद्रों में कोरोना टीकाकरण के लिए पहुँच रहे हैं। जिला पंचायत के सभापति राजेश्वर भार्गव ने अपने गांव टिकारी के प्राथमिक स्कूल में लगे कैंप में सपरिवार टीका लगवाया और लोगों से अधिक टीकाकरण में भाग लेने की अपील की। यह भ्रम की स्थिति तो बिल्कुल नहीं है। इसमें सिर्फ यह है कि वो क्वारंटाइन के या जो वैक्सीन जहां लग रहे हैं वहां जाए, निसंकोच ये वैक्सीन का टीका लगाए। देश को सुरक्षित, अपना सुरक्षित, अपने परिवार को सुरक्षित के लिए ये लगवाना बहुत जरूरी है। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ पुनः कि वो जाए और वैक्सीन टीका लगाए। टीका ला सब कोई लगवावा, यहाँ के मैं लगवाए हैं तो अच्छा लागत हवा, सब लगवावा अच्छा लागत है। लगवाए हैं तो हमारे गाँव में आए टेकारी में लगाई सेवा सब लगावत। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण का अंतर जितना कम होगा, रोजाना के बढ़ते मामलों से निपटने में राज्य सरकार को उतनी ही मदद मिलेगी। यानी ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण पर उतना ही जोर देना होगा जितना शहरी इलाकों में। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। चकरभाटा थाना क्षेत्र के कया में खेत किनारे लगे पेड़ से इमली गिराने को लेकर किसान और गांव के युवकों के बीच विवाद हो गया। शिकायत करने चकरभाटा थाना पहुंचे किसान दंपत्ति ने पुलिस को बताया कि इमली तोड़ने आए युवकों की करतूत से खेत में लगी गेहूं की फसल को नुकसान हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत को जांच में ले लिया है। शहर के सभी 20 केंद्रों में वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। 150 से 200 डोज का आकलन फेल हो गया। लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। महापौर सभापति ने वैक्सीन सेंटर का दौरा कर दवा और व्यवस्था की जानकारी ली।
निगम के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग ने 20 अस्थायी वैक्सीन केंद्र बनाया है, जहां 45 प्लस वालों को कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है। रविवार को निरीक्षण करते हुए महापौर रामशरण यादव, सभापति शेख नजरुद्दीन अंबेडकर स्कूल पहुंचे। पता चला 20 मिनट पहले आखिरी डोज खत्म हो गया। इससे पहले देवकी नंदन स्कूल केंद्र और मंगला से वैक्सीन खत्म होने की जानकारी लगी। पूछने पर महापौर ने कहा, जागरूकता आने से ऐसी स्थिति बनी है, लोग अच्छी तरह समझ गए हैं कि कोरोना की ढाल वैक्सीन लगवाने में भलाई है। उन्होंने शीघ्र ही व्यवस्था करने की बात कही। हम सब जगह घूम घूम के देख रहे हैं, वैक्सीन की कमी तो नहीं हो रही है। अभी 5 मिनट पहले आप लोग के सामने में यहाँ पर वैक्सीन आया है, खत्म हो गया था, 50 वैक्सीन अभी आया है। ये शासन प्रशासन, निगम और स्वास्थ्य विभाग की जागरूकता के कारण और आम नागरिकों के जागरूकता के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है कि सभी लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने के लिए आम शहरी तैयार हो गए हैं। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि जागरूकता आया है और हम सब लोग आप लोग के सहयोग से बिलासपुर में अति शीघ्र पूरे लोगों को वैक्सीन लगाने में सफल रहेंगे। सभी केंद्रों में मेले जैसा नजारा दिखा, लोग टीका लगवाने बारी का इंतजार करते रहे। भीड़ में शामिल सभी को टीका लगवाने की जल्दी थी। कुछ केंद्रों में पंजीयन का आंकड़ा 400 तक पहुंचा। होली से पहले हालात ये था कि घर घर पहुंचकर कार्यकर्ता परिवार से टीकाकरण का अनुरोध कर रहे थे। इधर कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के बाद से वैक्सीनेशन कराने वाले मानो दौड़ जीतने की ठान चुके हैं। रविवार को ही उस वक्त हड़कंप मच गया जब देवकी नंदन स्कूल में वैक्सीन लगवा कर कुर्सी पर बैठा एक शख्स अचानक जमीन पर लुढ़क गया। लोगों ने उसे उठाकर बिठाया, पानी पीने के बाद भी वो बदहवास रहा। लोगों ने समझा वैक्सीन का असर है, लेकिन बीपी शुगर पेशेंट व्यक्ति का शुगर लेवल डाउन होने के कारण ऐसी स्थिति बनी। मैडम बोली थी आधा घंटा रुक के जाना घर के, 10 मिनट बाद देखा तो आंखें, मेरे भैया बोला भी कि भैया मेरा चक्कर लग रहा है, और उसके बाद बैठे बैठे पट गिर गया, समझ ही नहीं आया क्या हुआ। अभी कैसा लग रहा है? अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इसी तरह उसलापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को 150 से ज्यादा को टीका लगा। यहां प्रोग्राम एसोसिएट अजीत नाविक ने बताया कि डोज बढ़ाने विभाग से कहा गया है। सभी केंद्रों में लगभग आंकड़ा 200 के पार ही गया। कुछ केंद्रों में टीका लगवाने वालों की संख्या 300 पार हुई। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। 45 साल से ऊपर वालों का टीकाकरण शुरू होते ही अभियान ने गति पकड़ ली है। यही वजह है कि सुबह से ही टीकाकरण केंद्रों में भीड़ उमड़ रही है। रविवार को 45 से ऊपर की उम्र वाले इतने उत्साहित नजर आए कि 9 बजे से पहले ही टीकाकरण केंद्र पहुंच गया और जैसे ही केंद्र खुला वैसे ही सभी टीका लगवाने आगे आ गए। इस दौरान लोगों में एक खास बात ये देखने को मिली कि केंद्रों में भीड़ अधिक होने के कारण लोगों को अपनी बारी के लिए काफी देर इंतजार करना पड़ा। मस्तूरी ब्लॉक मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो यहां वैक्सीन लगवाने के लिए आसपास के गांवों से लोग पहुंचते रहे, जिसके चलते यहां भीड़ बढ़ती गई और व्यवस्था बिगड़ने लगी। व्यवस्था को बनाए रखने वाले जिम्मेदार यहां से गायब दिखे। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी तो अक्सर केंद्र से नदारद रहते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों के भरोसे यहां टीकाकरण किया जाता रहा। 16 जनवरी से चालू हुए हैं और जो कोविड-19 के नियम है उसे सही पालन किया जा रहा है। और पहले तो पंजीयन कराना है, उसके बाद वेरीफाई कराना है, फिर मोबाइल में एंट्री भी हो रहा है उनका ऑनलाइन, फिर उसके बाद टीका लगाया जा रहा है। रोजाना कल तो 267 लोगों को लगा था यहाँ, मतलब 200 से पार ही हो रहे हैं यहाँ पे। अब पूरे मस्तूरी क्षेत्र के पेंड्री, मोहतारा, देवगांव, सरगवा, वेद प्रसदा, किरारी, आंगडी, कोनी, सब इस क्षेत्र वाले सभी आ रहे हैं। केंद्र में अव्यवस्था की जानकारी ब्लॉक के स्वास्थ्य अधिकारी से जिले के अधिकारियों को भी थी, इसके बाद भी अव्यवस्था बनी रही। स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। उम्मीद से कहीं अधिक लोगों के पहुंचने से दोपहर 1 बजे तक सभी केंद्रों में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गया। आनन फानन में व्यवस्था कराई गई, मगर वो भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ। दर्जन भर सेंटर से 200 से ज्यादा लोग निराश लौटे। कमी का ऐसा असर हुआ कि जहां 10 एम्पूल की मांग की गई वहां 7 दिया गया और कुछ सेंटर में तो 2 एम्पूल से काम चलाने कह दिया गया। नतीजा ये हुआ कि
नंबर का इंतजार करते लोगों से कहा गया, वैक्सीन खत्म हो गया, बाद में आइएगा। दरअसल वैक्सीन लगवाने लोगों में अवेयरनेस के कारण शहर के सेंटर में मेला लगा रहा। रविवार छुट्टी होने के कारण संख्या और भी बढ़ गई। हालात ये रहा कि जिन केंद्रों में 150 डोज खपत का अनुमान था, वहां आंकड़ा 200 तक जा पहुंचा। लोग नंबर का चुटका लेकर इंतजार करते दिखे। इनमें कई लोग निराश लौट गए। वैक्सीन लगवाने आया हूँ मैं। पहले मैं सुबह 10:30 बजे गया था देखूंगा निष्कुल, वहाँ इतनी भीड़, इतना भीड़, वैक्सीन खत्म हो गई, 2.5 घंटा वहाँ लाइन में लगा, उसके बाद भी नंबर नहीं आया। उसके बाद फिर अभी मैं यहाँ पे आया हूँ सिलापुर शास्त्री स्कूल में COVID-19 लगवाने के लिए। अभी मेरा 212 है। स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम के सहयोग से शासकीय स्कूलों, सामुदायिक भवनों में टीका लगाने व्यवस्था की है, लेकिन कोरोना वैक्सीन का टोटा होने से अभियान के पहिए थम गए। कहा जा रहा है कि जिले में उपलब्ध वैक्सीन खप चुका, अब शासन से और मांग की गई है। फिलहाल 45 प्लस वालों के टीकाकरण का दौर चल रहा है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसौ टीवी, बिलासपुर। एयरपोर्ट मार्ग चक्करभाटा में सड़क किनारे के प्रमुख स्थानों को नो पार्किंग जोन बनाया गया है। निकाय की इस व्यवस्था के बाद भी वाहन चालक और दुकानदार चयनित स्थल पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे एयरपोर्ट मार्ग में व्यवधान हो रहा है। कार्यवाही नहीं होने से रास्ता रोकने वालों के हौसले बुलंद हैं और मौके पर व्यवस्था बिगड़ रही है। समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो समस्या और भी विकराल हो सकती है, जिससे मार्ग में दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। प्रभु यीशु के जी उठने की खुशी में ईसाई समुदाय ने ईस्टर संडे मनाया। दो दिन पहले यानी शुक्रवार को मानवता के इस मसीहा की दुखद मृत्यु हुई। ऐसी पौराणिक मान्यता का अनुसरण करते हुए समाज के लोगों ने दिवंगत सगे संबंधियों को याद किया। मसीही समुदाय के लिए रविवार का दिन खुशी से भरा हुआ था। इससे दो दिन पहले क्रूस पर चढ़ाकर मानवता के इस मसीहा को मृत्यु दे दी गई। इसे गुड फ्राइडे कहा जाता है। इसके बाद प्रभु के पुनः जी उठने पर समुदाय ने ईस्टर संडे बनाया। इस अवसर पर परिजनों ने अपने दिवंगत सगे संबंधियों की कब्र पर कैंडल जलाकर फूलों से वातावरण महका दिया। कहा गया कि मानव जाति का अस्तित्व बचाने प्रभु यीशु ने आतताइयों के हाथों अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, वे स्वर्ग से लौट आए, प्रभु जी उठे। पहले क्रिस्ट जी उठा है, आज के दिन यीशु पापा जी उठे थे, तो उन्हीं की याद में आज के दिन जो भी हमारे प्रियजन जो छोड़ के गए थे उनको याद करते हुए आज के दिन सुबह कैंडल और रोज जलाने के लिए, मतलब रोज लगाने के लिए आते हैं। हमारा पुनरुत्थान दिवस ईसा मसीह मृत्यु में से जी उठे, और उसी के खुशी में आज ईस्टर पर्व मनाते हैं हम लोग। हम पूरे मसीह परिवार के लोग, ईसाई लोग, ईसाई समाज के लोग सब खुश रहते हैं। कब्र पर फूल कैंडल रख परिवारों ने अपने बिछुड़े सदस्य को प्रभु के जी उठने का संदेश दिया। खुशी में शामिल कर आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना की। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसौ टीवी, बिलासपुर। प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद ईस्टर के दिन पुनर्जीवित हो गए। इस मौके पर मसीही जनों ने घरों में ऑनलाइन खुशियां मनाई। इसके बाद प्रभु ने समूची मानवता को प्रेम अहिंसा का संदेश दिया। गिरजाघरों में पादरियों ने बाइबल के पवित्र अंश पढ़कर सुनाए। शहर के गिरजाघरों में प्रभु यीशु का पुनरुद्धार पर्व ईस्टर की खुशी के रूप में मनाया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते सभी गिरजाघरों में बाइबिल का संदेश ऑनलाइन किया गया। इक्के दुक्के लोग ही चर्च में बैठकर प्रार्थना करते हुए देखे गए। ऐसा बलिदान जो ईश्वरीय योजना के तहत मनुष्य जाति के लिए था, जो ना तो पशु में था, ना पक्षियों में था, ना किसी प्रकार के कोई जानवरों में था, जिससे हमारे पाप और अधर्म परमात्मा के निकट क्षमा किए जा सकते। परमात्मा ने उपाय किया कि परमात्मा प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों और अधर्मों के प्रायश्चित के बदले उन्हें क्रूस पर बलिदान करे। उनके जन्म से लेकर उनका जन्म होता है गौशाला में, मरण होता है क्रूस में, तब तक बुराई की शक्तियाँ उनके विरुद्ध चलते ही रहे, लेकिन वो किसी कभी भी बुराई से हार नहीं मानते। उनका मौत भी आता है, मौत में के समय में भी वो हार नहीं मानेंगे। जब क्रूस में उनको, मतलब ऐसे क्रूस में ठोक देते हैं, उस समय जाकर एक जन बाला से मारता है, उस समय भी बोलते हैं, हे पिता
जिन्हें क्षमा कर ये नहीं जानता है क्या गलत करता है। यहूदियों ने आज से 2021 साल पहले प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला था, लेकिन वे सर्व शक्तिमान होने के कारण कब्र से गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद पुनः जीवित हो उठे थे। इसके बाद प्रभु ने पूरी दुनिया को एकता, शांति और अहिंसा का संदेश दिया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बंगाली समाज ने चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी के अवसर पर चुचुहिया पारा में शीतला देवी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की। 71 वर्षों से चली आ रही पूजा परंपरा को 3 दिन की बजाय एक ही दिन में खत्म कर दिया। पूजा अर्चना में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रेलवे परिक्षेत्र के चुचुहिया पारा फाटक में बंगाली समाज ने शीतला अष्टमी का पर्व मनाया। इस मौके पर देवी के शीतल स्वरूप प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यहां बंगाली रीति रिवाज से पूजा अर्चना की गई। 71 वर्षों से चली आ रही पूजा परंपरा को इस बार 3 की बजाय 1 दिन में ही समेट दिया गया। पूजा बहुत बड़ा करके होता है, बिलासपुर में एक ही पूजा है, बड़ा पूजा है, लेकिन इस साल में कोरोना के चलते हम लोग इसको सिर्फ नियम का रोखा के लिए इसको पूजा कर रहा हूँ। आज अष्टमी का पूजा है, काल नवमी का पूजा होके खत्म कर देगा। इस बार हरिनाम संकीर्तन, शोभा यात्रा और विसर्जन कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। इस मौके पर महिलाओं ने सादगी के साथ पूजा अर्चना में भाग लिया। समारोह में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला, 22 जवानों के शव बरामद, देश में मचा कोहराम। कोरोना वैक्सीन का टोटा, बड़ी संख्या में टीका लगवाने सेंटर में पहुंच रहे लोग। कब्रिस्तान में पहुंचकर मसीहजनों ने किया अपनों को याद, मनाया गया ईस्टर संडे। और शहर से लेकर गांव तक पानी की उठने लगी समस्या, नीचे जा रहा जल स्तर। चकरभाटा बोदरी क्षेत्र में भूजल स्तर गिरने लगा है, जिससे नगर में पेयजल की समस्या सामने आने लगी है। इसके मद्देनजर नए बोर और पाइपलाइन विस्तार का कार्य तेज कर दिया गया है। गौरतलब है कि गर्मी के दिनों में पेयजल व्यवस्था को बनाए रखने टैंकरों का सहारा लिया जाता है। बोदरी नगर पंचायत चकरभाटा में 15 वार्ड है। यहाँ अधिकांश वार्डों में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पेयजल की समस्या सामने आने लगी है। भूजल स्तर गिर जाने से समस्या विकराल हो गई है। परेशानी से निपटने निकाय के अधिकारी, कर्मचारी समेत जनप्रतिनिधि भी समस्या दूर करने की जुगत में लग गए हैं। इसके लिए 1-2 स्थानों का चिन्हांकन कर बोर भी करवाया गया है। पानी की समस्या निकाय के प्रमुख चौक चौराहों में भी है। यहाँ पेयजल सुविधा में लगा पनघर सूखा पड़ा है। ये जो लगा हुआ है पानी का, सिक्का डाल के जैसे पानी लेते हैं, वो करीबन इसको लगे 1-2 साल हो गया होगा। ये कुछ ही समय के लिए बस खुला था, उसके बाद अभी बंद का बंद ही पड़ा हुआ है, या इसको यूज नहीं हो रहा है। तो मैं तो निवेदन करूंगा नगर पंचायत से, या तो इसको उखाड़ के फेंक दिया जाए या इसको चालू कर दिया जाए, क्योंकि अभी गर्मी का समय आ रहा है, पानी की जरूरतें लगेगी लोगों को, ये सब सेवा करना चाहिए। बोदरी नगर पंचायत के अध्यक्ष परदेशी राम ध्रुवंशी पेयजल समस्या को दूर करने वार्डों में पाइपलाइन विस्तार को तवज्जो दे रहे हैं। इनकी माने तो नए बोर से पाइपलाइन का विस्तार टंकी तक किया जाएगा, जिससे वार्डों में पानी की सप्लाई आसान हो जाएगी। पनघर के संबंध में निकाय अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही इसे भी शुरू कर दिया जाएगा। अभी पाइपलाइन में हम लोग नई लाए, जो बोर कराए हैं उससे पाइपलाइन लेके शहर को पानी पिलाने के लिए व्यवस्था के लिए नया पाइपलाइन डाल रहे हैं। और अभी कुछ विगत 1-2 दिनों से पानी की समस्या, एक बोर जल स्तर गिर गया है नीचे, सभी पंपों में पानी की कमी हो गई है। तो नया जो बोर कराया उसमें पंप डाल करके इस पंप को शहर में पानी पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मशक्कत कोशिश कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी नगर वासियों को पानी मिल सके। अब तक ये देखा गया है कि वार्डों में जल आपूर्ति के लिए टैंकर ही प्रमुख रहा है, और इस बार भी टैंकर चलने की उम्मीद से इनकार नहीं किया गया है, जिससे साफ है कि निकाय क्षेत्र में जल की समस्या दूर करने कोई स्थायी हल अब तक सामने नहीं आया है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।
मस्तूरी जनपद कार्यालय भ्रष्टाचार का नया नमूना साबित हो रहा है। जनपद क्षेत्र की अधिकांश पंचायतों में कहीं राशन कार्ड, कहीं गौठान और कहीं मनरेगा को लेकर गोलमाल की खबरें सामने आ रही हैं और अधिकारी हैं कि बेखबर बने हुए हैं। गौरतलब है कि मस्तूरी में चल रहे जमकर भ्रष्टाचार के खिलाफ सामान्य सभा में कई बार आवाज बुलंद हुई है, मगर पंचायत प्रतिनिधियों की अनसुनी कर अधिकारी मनमानी करने पर आमादा है, जिससे क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। वहीं आमजनों में सरकारी कार्य के प्रति मानसिकता बदल रही है। व्यवस्था को लेकर सरकार के भरोसे ही रहना ठीक नहीं, इसे समझने वाले ग्रामीण अब स्वयं से भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। माजरा मस्तूरी से लगे किरारी गांव का है, जहां निजी तालाब को सभी के लिए निस्तारी बनाने ग्रामीणों ने तालाब के गहरीकरण के लिए मशक्कत शुरू कर दी है। ग्रामीण गांव में चंदा कर तालाब का गहरीकरण कर रहे हैं, ताकि आने वाली बारिश का पानी बेहतर तरीके से संग्रहित किया जा सके। पानी सूख जाता रही तो काय निस्तारी मतलब पानी सूख गया तो जानवर ऊपर और नहाए ऊपर बहुत परेशानी होती रही। देखा अपन मोहल्ला में सब मिलजुल के ना एक गहरीकरण करवाई थे। बहतराई स्टेडियम के आगे सरोज विहार में कचरा डंपिंग पॉइंट बनाने का यहां के नागरिकों ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है डंपिंग पॉइंट से उनके प्राण वायु में जहर घुल जाएगा, साथ ही प्रदूषण भी होगा। इस कॉलोनी में ज्यादातर शासकीय सेवानिवृत्त लोग निवास करते हैं। बहतराई स्टेडियम के पास स्थित सरोज विहार के नागरिकों ने नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे कचरा डंपिंग पॉइंट का कड़े स्वर में विरोध किया है। उनका कहना है कि बस्ती के बीच में कचरा डंपिंग पॉइंट बनाए जाने की ये पहली घटना है। इस रिहायशी कॉलोनी में ज्यादातर रिटायर हो चुके लोग निवास करते हैं। कचरा डंप यार्ड बन रहा है यहाँ पे, नगर निगम बना रहे, ये भी हम लोग को एक्चुअली भ्रम में रखा गया था। पार्षद से हमको पता चला कि यहाँ पे गार्डन बनेगा, पार्क वगैरह बनना है, तो उन्होंने उनके इन्फॉर्मेशन के अनुसार हम लोग को अच्छा था पार्क वगैरह बनेगा। कुछ दिन के बाद पता चला नहीं कि ये तो कचरा डंप यार्ड बन रहा है। और ये सबसे असुविधा की बात इसमें है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये देखिए आपके पीछे में हमारे कॉलोनी है सरोज विहार कॉलोनी, सामने में ये पूरी बस्ती है, दुकानें हैं, मार्केट है, और उसके बीच में ये कचरा डंप यार्ड बन रहा है, जो कि काफ़ी भविष्य में जाके जब इसकी एक्टिविटी शुरू होगी तो क्या होगा कि ये पूरा पॉल्यूशन बढ़ेगा। वो जब से नगर निगम बना है सर, तब से हमको सुविधा देने के बजाय सर आए दिन असुविधा का सामना करना पड़ता है। हम लोग कुछ भी मांगने जाते हैं सर, तो उनके पास ये सुविधा हमको नहीं मिलता, और ऊपर से ये कहा जाता है कि आपका कॉलोनी अवैध है, ये कह के हमको दुत्कार दिया जाता है सर। आज सर हम जब यहाँ पर जब कुछ काम चल रहा था सर, तो हम लोग पूछे क्या काम चल रहा था, तो नगर निगम ने बताया सर यहाँ पर गार्डन बनेगा और आने वाले समय में यहाँ पर मार्केट बनेगा। हम लोग को गुमराह करके इस कॉलोनी में जो सभ्य सुसंस्कृत लोग रह रहे हैं उनको सौगात में ये कचरा डंपिंग यार्ड दे रहे हैं सर, जो हमको आने वाले समय के लिए बहुत असुविधा होगा सर। हमको ये भी नहीं बताया गया कि यहाँ पे बनाया जा सकता है, नियमानुसार उचित है, या पब्लिक के जन स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इस संबंध में भी हमको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। मैं 2000 से यहाँ पर रह रहा हूँ सर। ये हर जो है जब से नगर निगम बना है, जैसे हमारे साथी ने बनाया, इसके साथ जो है एकदम जुल्म का व्यवहार किया जा रहा है। ये कचरा डंप यार्ड बना करके एक और हम लोगों के यहाँ के सरोज विहार के निवासियों के लिए, आसपास के लोगों के लिए एक अभिशाप के रूप में जो है हमको सौंपा जा रहा है। नगर निगम के उपायुक्त से प्रॉपर मिला हूँ, कोई जायसवाल जी है उनसे, और महापौर को भी दे के आए हैं। महापौर बोले वो बनना ही नहीं है, ऐसा करके हमको विश्वास दिए हैं और काम रुका नहीं है। काम रुकने के लिए भी एक बार गए तो कोई आए थे का सोम शेखर ऐसा करके कोई इंजीनियर है, बोले अगर आप लोग काम रोकोगे तो पुलिस से आपको हटवा देंगे और काम रुकेगा नहीं। वे संभावित बदबू और प्रदूषण को लेकर डरे हुए हैं। ये स्थान बहतराई गांव जाने वाले मुख्य मार्ग से लगा हुआ है। नगर निगम ने गार्डन बनाने के नाम पर निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन कचरा डंपिंग पॉइंट बनाने की बात सामने आते ही यहां के लोगों में रोष फैल गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
जीआरपी थाने की दीवारों पर जमी धूल की परत साफ की गई, वॉशिंग और सैनिटाइजेशन कर इसे कीटाणु मुक्त किया गया। हालांकि इन दिनों कुछ ही ट्रेनों का यहां से परिचालन और ठहराव किया जा रहा है, इसलिए यात्रियों की संख्या भी कम है। रविवार को केमिकल युक्त पानी का छिड़काव कर थाना परिसर साफ किया गया। टीकाकरण के लिए कभी हिचकने वाले ग्रामीण अब स्वयं स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। यही नहीं, अब दूसरे लोगों को भी टीका लगवाने जागृत कर रहे हैं। दरअसल बोदरी निकाय से जुड़े ग्रामीण क्षेत्र में निकाय के पार्षद गांव पहुंचकर लोगों को संक्रमण से बचाव और टीका का महत्व समझा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रोत्साहन के चलते जागरूकता सामने आई है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य महकमा समेत प्रशासन ने टीके को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब बारी है आमजनों की कि वह भी स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। प्रयास और कोशिशों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में टीके को लेकर झिझक सामने आ रही है। इसे लेकर अब ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए निकाय के पदाधिकारियों ने पहल शुरू कर दी है। बोदरी चकरभाटा के पार्षद रोजाना गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों को संक्रमण से रोकथाम और टीके की आवश्यकता संबंधी जानकारी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, टीका लगवाने सेंटर तक पहुंचने वाले लोगों का पार्षद फूलों से स्वागत भी कर रहे हैं। पार्षदों का दल अगल बगल के गाँव में जाके लोगों के बीच में जागरूकता डाल रहे हैं कि आप आइए, टीका लगवाइए और इस COVID-19 से बचने के लिए उपाय, एकमात्र उपाय टीका है, और मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंस बना के रखिए। हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा वैक्सीन लगवाएंगे उतना हम लोग इस लड़ाई से लड़ पाएंगे। सेंटर में टीकाकरण करवा चुके लोगों का कहना है कि टीके से पहले वह भी भयभीत थे, मगर टीकाकरण अब सुरक्षित और जरूरी मालूम पड़ने लगा है। टीका लगवाया है और आधे घंटे से मैं यहाँ पर चकरभाटा चिकित्सालय में हूँ, लेकिन मुझे किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हुई है। और मैं सभी लोगों से अपील करूँगा और सारी जनता से अपील करूँगा कि किसी भी, मतलब कोरोना वायरस के टीकाकरण में लगवाने में निसंकोच लगवाएं और किसी बात की कोई भी परेशानी नहीं है। अभी नॉर्मल महसूस कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अभी 10 मिनट हुआ है मेरे को, और जो मन में जो संशय रहता है ना, वो संशय जो है ना दूर हो जाएगा। एक भ्रम रहेगा कि हम लगाएं ना लगाएं, वो संशय को दूर करने के लिए लगाना जरूरी है। टीका लगवाए पर आए हूँ और पहले डरात रहे मैं, ओकर बाद गांव वाले मन सब बोली कि कोई डर नहीं करके, तो यदि यहाँ आके टीका लगवाए हूँ एमा कोई परेशानी नहीं है। जागरूकता की पहल से जहां पात्र उम्र के लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, वहीं अब वह टीकाकरण के संबंध में और भी लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में बेहतर टीकाकरण की उम्मीद और बढ़ गई है। लोकस्वर टीवी के लिए बेल्हा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। तो ये थी हमारी लोकस्वर टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।